जी गुड आफ्टरनून टू ऑल, मनीष, सरिता, यस सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी अफशा, नीलोफर, या गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं शाजिया अन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करती हूँ जी। सभी का स्वागत है और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है। हाँ जी गुड आफ्टरनून सूर्यवंशु। थोड़ा नेट नहीं चल पा रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, 10 मिनट थोड़ा सा डिले हो गया, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ जी अमर, यस जी नमस्ते, जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? हाँ जी अमर नमस्ते, जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है आप सभी को मेरी? एम आई ऑडिबल? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, आ जाइए तब तक के लिए। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर फॉर यूपीएससी सीएससी इज नाउ ऑन अकेडमी, दिस इज रिजल्ट ऑफ अन अकेडमी, ये देख सकते हैं आप लोग। हाँ जी शिवम, हेलो कैसे हैं? दिस इज अबाउट मी। ये देख लीजिएगा, व्हाट डू यू नीड टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं, जैसे गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, कम्प्रीहेंसिव, हाँ जी अमित, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल, डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग, कम्प्रीहेंसिव कवरेज ऑफ करेंट अफेयर्स। ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं अन अकेडमी वैल्यू ऑफरिंग क्या क्या है। जीएस ऑप्शनल कोर्स एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, 100 यूनिक टेस्ट है, 20 हाई क्वालिटी नोट्स बुक है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एंड करेंट अफेयर्स, ये सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी। जी शोभा, हाँ हेलो शोभा, सभी को हेलो। लाइव मेंटरिंग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। रेज अ हैंड, ये हमारे स्पेशली क्या है, अनअकैडमी के ऐप का एक फीचर है। हाँ जी अवनीश, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। रेज अ हैंड, ये सभी के सभी यहाँ पर क्या है। और हाँ टुडे इज लास्ट डे, 20th of October तक ये ऑफर है। 1 ईयर का प्लान, जिसमें कि जीएस प्लस ऑप्शनल के साथ ये पड़ेगा आपको 57,704, क्योंकि इसमें 25% विथ ऑप्शनल है एंड 10% यूजिंग रेफरल कोड है। और 1 ईयर का आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल पड़ेगा आपको यहाँ पे 78,999। ये आज ही लास्ट ऑप्शन ऑफर है। सो बच्चों, आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इस प्लान को ले सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो के बारे में देख लीजिए, वर्थ ₹45,000 1 ईयर एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आप इसको 10% ऑफ एंड 10% ऑफ, 3 मंथ्स फेस्टिव कॉम्बो ऑफर है। इंट्रोडक्टरी जो प्राइस है 10% का डिस्काउंट है। हाँ जी स्वाति, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ऑफर ये भी क्या है, आपको यहाँ पर 20th of October तक ऑफर वैलिड है। मेंस एंड ऑप्शनल क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज होगा इसमें। मिशन AIR, क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड आंसर राइटिंग कोर्स, करंट अफेयर्स एंड सिंप्लीफाइड कोर्स, बैच कोर्स एंड 2021 एंड 22। यहाँ पे अन अकेडमी के 2 प्लान चलते हैं, जिनको नहीं पता है देख लीजिएगा, आइकॉनिक और प्लस। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। वहीं प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज दिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी ऐप। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो नहीं किया है, कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको मेरी क्लास का लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगा। शाजिया शकील हैदर, ऑप्शनल कार्निवल जो है 21st of October से स्टार्ट हो रहा है। सचिन सर हैं, पीयूष सर हैं, पवन सर, धर्मेंद्र सर, हिमा मिद्दू मैम, रजनीश सर और यहाँ पर पीयूष सर हैं। ठीक है, सी एस सी बैचेज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 2022 यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से, यानी आज से ही। और यूपीएससी सीएससी 2023 का बैच हो रहा है 20 अक्टूबर से। और 18 जो अक्टूबर है, यहाँ पर क्या रहा, क्वालिटी एनहांसमेंट जो है ये स्टार्ट होने वाला है। टेलीग्राम आईडी मैं बता दे रही हूँ, 2022 का ये रहा, देखिए 7 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का लर्नर जर्नी है, ये देख सकते हैं आप। और 2023 का भी क्या है, एक पूरा यहाँ पे पहले से ही तैयार है कि आपको पूल किस तरह से यहाँ पे क्या करना है आगे। जी टेलीग्राम आईडी अभी मैं बता रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए जी, 2 मिनट रुक जाइए, अभी बस रुक जाइए। ये रहा मेरा टेलीग्राम आईडी, जिन लोगों को भी नहीं मालूम है
हाँ जी सुरुचि, कैसे हैं आप? कमल, ये रहा मेरा टेलीग्राम आईडी, तो आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। कल से क्लास का टाइम मैं चेंज कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि क्लास का टाइमिंग जो है वो चेंज होने वाला है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि क्लास का टाइमिंग चेंज होने वाला है, सो कल से क्लास का टाइमिंग जो है वो अब चेंज होगा। और कब से रहेगा, कितने बजे रहेगा, ये आपको टेलीग्राम आईडी पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आईडी बता दिया है कमल मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, और आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? और अब तक जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एंशियंट पार्ट है, एंशियंट पार्ट इन द सेंस कि चूंकि ये टॉपिक कई बार क्या होता है आपको नहीं पता रहता है और ना तो इसके बारे में बहुत पढ़ने का मौका मिलता है ना, ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलता है, इसीलिए ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। इसको करवाने का रीज़न यही है कि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं ना, रोमन के पवित्र रोमन साम्राज्य पढ़ेंगे, ग्रीक का साम्राज्य पढ़ेंगे, तो उस समय पे आपको यहाँ इससे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ का आप एंशियंट कल्चर जान रहे होंगे। हाँ, कुछ को लग रहा होगा कि पता नहीं ये हमारे यूपीएससी में काम देगा या नहीं देगा, बट स्टिल मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपका ऑप्शनल विषय भी है अगर इतिहास, और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी अगर कुछ लिखते हैं, तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, इसको आप को रिलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ जी सुमित, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सुमित्रा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। आप लोगों ने रोमन एम्पायर के बारे में काफ़ी सुना होगा, हाँ काफ़ी सुना होगा कि रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रोमन एम्पायर, ठीक है ना। ये क्या है, जो अर्ली रोमन हिस्ट्री है हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसके बारे में देखने जा रहे हैं, रोमन एम्पायर के बारे में। ठीक है, रोमन एम्पायर के बारे में। हाँ, तो कुलदीप मैं यही कह रही थी कि अगर किसी का ऑप्शनल भी है तो आपको भी क्या होगा, इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। कारण क्या है कि ये है, और इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको पता है पुनर्जागरण से क्वेश्चन आता है, रेनेसा से क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन यूरोप में जो चल रहा था वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इस हिस्ट्री को जानेंगे तो आप आगे क्या कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं, आप को रिलेट कर सकते हैं, ये इसका आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आते हैं रोम के बारे में, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे रोम का जो इतिहास है क्या रहा था, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री क्या रही थी। हाँ जी, रोम की हिस्ट्री क्या रही थी, रोम के बारे में क्या रहा था कंडीशन, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वन सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इलेवेंथ क्लास की पढ़ाई, पढ़ाई से नहीं मतलब एनसीईआरटी अगर आप पूछेंगे तो एनसीईआरटी मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, एनसीईआरटी का क्या है, यहाँ पे जो है ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। जी, एनसीईआरटी के बारे में अगर बात करें तो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, चलिए आते हैं यहाँ पर। अब रोम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि रोमन साम्राज्य जो है ये क्या था और क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। रोमन साम्राज्य ने क्या किया, रोमन एम्पायर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड किया है, काफ़ी प्रभावित किया है, इसका कारण क्या है, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, एक मिनट कमेंट में देख लूं क्या लिख रहे हैं। ठीक
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आते हैं आगे। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रोम नगर के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ पर ये इस्टैब्लिश किया गया था। तो टाइबर नदी के दक्षिण में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको, यानी रोम जो नगर है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में अगर बात किया जाए कि ये प्राचीन भाषा जो इनकी थी वो कौन सी भाषा ये बोलते थे, तो इनकी प्राचीनतम भाषा हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैटिन नाम का क्या है, लैटियम के नाम पर ही इनका पड़ा है। तो प्राचीन भाषा यानी ये लोग जो थे, रोम निवासी जो थे, ये बेसिकली क्या करते थे, ये लैटिन भाषा का प्रयोग करते थे। हाँ जी अंकित गौतम, गुड आफ्टरनून। हाँ, लैटिन भाषा का क्या करते थे यहाँ पर ये लोग जो है, क्या कहते हैं कि ये लैटिन भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इनका अपना एक शासन चलाने का क्या था, एक तरीका था। तरीका इन द सेंस कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इस एम्पायर में, यानी रोम के एम्पायर में, एक राजा होता था, एक सभा होती थी और एक सीनेट होता था। यानी प्रॉपर तरीके से, हाँ प्रॉपर तरीके से अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, तो यहाँ कंडीशन ये दिखाई दे रही है कि रोम में, वन सेकेंड, यहाँ आ जाइए, रोम में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर तीन चैनल हम लोगों को दिख रहा है। तीन चैनल इन द सेंस कि प्रशासन के कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये देख लीजिए, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ये एक तरफ क्या है, यानी शासन के कंटेक्स्ट में एक तरफ कौन है, किंग है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है यहाँ पर, सीनेट है। ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पर, सीनेट इन द सेंस नहीं, सभा इसको कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, सभा, सभा, असेंबली। ठीक है, और तीसरे पे अगर हम लोग बात करें, एक तो हो गया राजा, एक तो हो गया सभा, और तीसरे पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पे है आपको यहाँ पर राजा, सभा और सीनेट। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली अगर बात किया जाए तो रोम में हमें ये व्यवस्था दिखाई देती है। हाँ जी, रोम में हमें ये व्यवस्था दिखाई दे रही है, यानी टाइबर नदी के पास में एक सभ्यता का, या एक सिविलाइजेशन कह लीजिए, या एक कह लीजिए एक एक एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो रहा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रोम। और रोम में व्यवस्था के रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है, तो रोम में व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं किंग होता था यहाँ पर, सभा होती थी और सीनेट होता था। ठीक है ना, और सीनेट होता था। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। वन मोर थिंग, एक बात मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ, इसके बाद फिर ये नहीं कहेगा कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री का एंशियंट वाला पार्ट करा दीजिए, आप लोगों को ऑलरेडी एंशियंट वाला पार्ट मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अगेन इसके बाद मैं दोबारा ये टॉपिक नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे, क्योंकि एक सीक्वेंस में अभी चल रहा है, दैट्स वाई मैंने इसको अभी कंटिन्यू कर रखा है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता दे रही हूँ कि ये इसके बाद जो है ना, फिर मत कहेगा कि मैम मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, फिर वो आप जाकर के रिकॉर्डिंग देखना होगा। अभी लाइव देख रहे हैं तो लाइव में मैं आपको चीज़ें समझा भी दे रही हूँ कि कैसे इसको पढ़ना है। कोई बात नहीं जिया, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, तो राजा है यहाँ पर, यस राजा है यहाँ पर, सभा है और सीनेट है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इनकी कंडीशन जो है हम लोग को रोम में जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर दिखाई देता है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे अगर बात किया जाए तो सैनिक सेवा जो है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भाई क्या मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है वो यहाँ पर कंपल्सरी था, मैंडेटरी था या नहीं था, और जितने भी स्टूडेंट, सुन लीजिए, हाँ जी जितने भी स्टूडेंट आ गए हैं क्लास में, मैं कल से टाइम चेंज कर रही हूँ, मैंने आप लोग को बताया भी था कि मैं कुलदीप, हाँ जी ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, पहले मैं, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ टॉपिक पे, आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा कि मैं टाइम कल से चेंज होने वाला है क्लास का, टेलीग्राम आईडी से जुड़े रहेंगे तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। जी कल से मैं टाइमिंग चेंज कर रही हूँ क्लास का, मैंने बताया भी था आप लोगों को। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। मैं कल से लगातार बता रही हूँ कि टाइमिंग मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, और हाँ जी टाइमिंग मैं शिफ्ट करने वाली हूँ, तो टाइम शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, वो टेलीग्राम आईडी पे आपको अपडेट हो जाएगा, टेलीग्राम आईडी पर अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, नहीं क्योंकि ये है ना यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ वो कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिएगा तो हम लोग के लिए भी ठीक रहेगा, सो दैट आप ही लोगों की डिमांड थी, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसका टाइम का शिफ्ट मैं कर रही हूँ। ठीक है,
चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि ये जो अगर हम लोग बात करें तो जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में अगर देखा जाए तो इस टाइम तक आते आते यहाँ पर यानी रोम में क्या कंडीशन थी यहाँ पे कि रोम में कंडीशन देखिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, सबसे अधिक शक्ति सीनेट के हाथ में थी, वह राजा और सभा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकती थी। इट मीन्स कि रोम के कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ हमें सिनेरियो बिल्कुल भी दूसरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं मुझे आप सब ने बोला था, देखिए बार बार ये चीजें रिपीट नहीं हो सकती है। तो चलिए यहां देख लीजिएगा इसका मतलब यहां पर क्या हुआ। देखिए इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, रोम के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रोम के बारे में, इसको मैं जरा स्क्रीन इसका एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए ये दिख रहा है आप सभी को, ये विजिबल है। तो रोम के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हेड होता था यानी राज का जो हेड है वो कौन है, वो राजा होता था। राज का हेड कौन होता था, किंग होता था। और किंग के अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, दो चीजें इन द सेंस इसके बाद जो अगर हायरार्की में देखा जाए तो वो कौन है यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे सभा है और सभा के बाद क्या है यहाँ पे सीनेट है। ये इस तरह से यहाँ पर आपको चीजें दिखाई दे रही है। सभा इन द सेंस ये क्या है आपको असेंबली, ठीक है ना, ये क्या है आपको असेंबली। तो यहां एक चीज जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा पावर किसको था, यानी किसके पास में सबसे ज्यादा पावर था। अगर बात किया जाए कि हु इज मोर पावरफुल, यानी इसके कंडीशन में अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो यहां पावरफुल हम लोग किसको देख रहे हैं, सीनेट को। यानी सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, शक्ति के मामले में सीनेट के पास ज्यादा पावर है। क्यों, क्योंकि यह राजा और सभा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यह राजा और सभा दोनों के जो जो भी प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर सकता था। ठीक है ना, दोनों के जो भी प्रस्ताव है उसको यह क्या कर सकता था, अस्वीकार या अपनी अस्वीकृति दे सकता था। तो कौन ज्यादा पावरफुल हुआ, हाँ जी कौन ज्यादा पावरफुल हुआ बताइए जरा जी अमित, सभी लोग बताइए जरा। अगर अगर इसके पास सीनेट के पास अगर ये पावर है कि ये राजा और साथ में असेंबली की किसी भी प्रपोजल को ये क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, तो इस तरह से अगर देखा जाए हु इज मोर पावरफुल इन दिस हायरार्की, अगर इस हायरार्की में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपको कौन दिखाई दे रहा है बताइए। हाँ जी बताइए, कुलदीप कह रहे हैं सीनेट के पास होगा, ठीक है सीनेट के पास हो, एग्जैक्टली ठीक है। सुमित हैं, आर्य हैं, और कौन है, अमित है। अमित थोड़ा सा ना वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था क्लास, तो 10 मिनट कह लीजिए, 10 मिनट मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हुआ है। सीनेट के पास होगा, ओके तो ये क्लियर है आप सभी को। तो ये रोम के बारे में अगर बात किया जाए तो दिस इज ऑल अबाउट रोम, रोम के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। और कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता हम लोग देख रहे हैं जहां पर ये डेवलप हुआ है, दैट इज टाइबर रिवर, ठीक है ना। इसको टाइबर नदी के किनारे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ 10 मिनट का थोड़ा सा आज क्या रहा है, ठीक है एग्जैक्टली बिल्कुल सही, जिन लोगों ने भी बताया है सही है, हाँ जी जिन लोगों ने भी बताया है बिल्कुल सही है, ओके ओके ठीक है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से अगर बात किया जाए तो जी, तो ये अब आप लोग समझ गए थे कि सीनेट में क्या कंडीशन। अब देखिए उसके बाद यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास पे हम लोग ये कंडीशन देख रहे थे, बट जब 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड आता है तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो राजा का जो पोस्ट होता था वो पद क्या किया गया है स्टूडेंट, समाप्त कर दिया गया, दैट इज क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। और यहाँ पर गणतंत्र का शासन स्थापित हुआ। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कह लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि एक तरह से कह लीजिए गणतंत्र इन द सेंस कि अब ये भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कह लीजिए कि जिसमें कहते हैं कि एकाधिकार वाली कंडीशन हो, मोनोपोली वाली कंडीशन हो, वैसा भी नहीं है, लोगों की सहमति भी है और उस सहमति से क्या हो रहा है, यहाँ पर शासन स्थापित हो रहा है, ठीक है।
अब जैसे रोम के बारे में बात किया जाए तो रोम का ही एक शहर कौन सा है, दैट इज इटली है। तो इटली के मामले में अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या देखेंगे, जब ये मजबूत होने लगे तो धीरे धीरे रोम वासियों ने क्या किया, इटली को अपने कैप्चर में कर लिया, या इटली को इन लोगों ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब सीनेट और सभा दो कौंसिल होने लगे यहां पर, जो रोम का गणतंत्र जो यहां पर बना, इसमें अब क्या देख रहे हैं, सीनेट और सभा दो कौंसिल होते थे। कौंसिल का चुनाव क्या होता था, दो वर्ष के लिए किया होता था। जैसा हम ऊपर कह आए, सीनेट के हाथ में सबसे अधिक शक्ति थी, वो सभा के निर्णयों का निषेध कर सकती थी। सार्वजनिक कोष का नियंत्रण भी सीनेट के हाथ में था। कौंसिल युद्ध सेना का नेतृत्व करते थे, कानूनों को लागू करते थे और न्याय करते थे। अब बोलेंगे आप कि मैम ये क्या था, ये भी समझा दीजिए, तो यहां रुकिए मैं आपको इस पर समझा दे रही हूं। देखिए अब बात करें यहां पर, जैसे रोम में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर शासन प्रणाली के कंटेक्स्ट में देखा जाए, यहां पर सीनेट सभा, हाँ सीनेट और सभा और दो कौंसिल होते थे यहाँ पे। यानी ऑलरेडी रोम में क्या चल रहा है यहाँ पर, सी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या है आपको, सीनेट सभा ये तो यहाँ पर है ही, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, कौंसिल है। अब इस कौंसिल के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो कि लेकिन फिर भी स्टिल सबसे ज्यादा पावरफुल कौन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पावरफुल है सीनेट, यहाँ पावरफुल कौन है, सीनेट। ये अभी भी क्या है, शक्तिशाली है, इसकी इसका ही पावर कम नहीं हुई, ये ध्यान रखना है आपको। कौंसिल के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो कौंसिल में क्या चल रहा है भाई, तो कौंसिल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए ये कौन कौन से कार्यों को करती थी। कौंसिल के बारे में अगर देखा जाए तो कार्य के बारे में, यानी कौन से वर्क इनके हाथ में दिए जाते थे, तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं कार्य के कंटेक्स्ट में, कि जो सेना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी कि सेना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय, ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है किससे रिलेटेड है, स्पेशली सेना से संबंधित, ये कौन लेता था यहां पर, कौंसिल लिया करता था। कौन लेता था यहां पे, हाँ जी ये क्लियर हो रहा है आप सभी को, एक मिनट मैं आप लोगों का थोड़ा कमेंट भी देख लूं। ठीक है योगेश, हाँ बताइए क्या बताना है आपको। तो सेना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य हो गए वो कौंसिल लिया करती थी इस टाइम पर। और सेना का महत्व कितना था ये आप लोग जानते हैं, ये बताइए। आप लोगों ने रोम पढ़ा, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा किसके बारे में, यूनान के बारे में पढ़ा है, तो क्या उस समय पे वहां पे स्पार्टा एथेंस, तो मुझे ये बताइए यहां पर कि क्या इस समय पे हाँ जी अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों को पता है ना कि इस दौर में युद्ध का अपना महत्व हुआ करता था, तो इट मींस कि इसका अपना क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह के जो भी मुद्दे और या फिर कह लीजिए न्यायिक जो संबंधित जो भी मैटर्स है, या फिर कह लीजिए हाँ न्यायिक संबंधी जो भी मुद्दे हैं वो भी कौन देख रहा है, काउंसिल देखा करता था। न्यायिक संबंधित विषय, संबंधित विषय कौन देखते थे यहाँ पे इसको, इज इट क्लियर, ये कौन देखते थे यहाँ पे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाँ बताइए प्रियांशु, कोई बात नहीं सेजल, कोई बात नहीं। ये क्लियर है आप लोगों को, यानी न्यायिक से अगर हम लोग बात किया जाए यहाँ पे, जो भी न्यू आ रहे हैं क्लास में या लेट आए हैं ध्यान से सुन लीजिएगा सेजल, जितने लोग भी हैं कल से क्लास का टाइमिंग चेंज होगा, टेलीग्राम आईडी पे आप लोग बने रहिएगा तो आपको मेरी क्लास का टाइमिंग जो है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीनेट है, सभा है, और एक नई जो चीज ऐड हुई है या एक नया एडिशनल जो चीज, जो एडिशनल जो इंस्टीट्यूशन इनसे ऐड हुआ है, दैट इज काउंसिल। अब काउंसिल के बारे में बात करें तो काउंसिल के पास शक्तियां कौन सी थी रोम के समय पे, तो जितने भी प्रकार के सैनिक जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन, वो कौन लेगा, वो यहाँ पे कौंसिल लिया करती। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सेना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो कौन लेगा, वो भी कौंसिल ही लिया लेगा। ओके है ये, हाँ जी बच्चों क्लियर है ये यहां तक आप सभी को, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एक बार बता दीजिए अमित, ठीक है। तो ये आपको समझना है, यानी एक नई चीज जो जुड़ती है दैट इज काउंसिल, है ना, इसको काउंसिल कहते हैं, इसको काउंसिल भी कहते हैं।
रवि अभी स्लाइड आए, स्लाइड पर आऊंगी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। कुलदीप, जिसको काउंसिल लिखते हैं ना इंग्लिश में, उसको हिंदी में काउंसिल, अगर आप उसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो वो काउंसिल जो है वो लिखा रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आप देख रहे थे कि क्या चेंजेस आया है, क्या चेंजेस आया है रोम में। ओके, अब देखिए यहां पर आते हैं, ये समझ चुके हैं जो भी कानून, डिफरेंट टाइप के जो भी लॉज जो है, या लॉ मेकिंग का जो काम कह लीजिए, वो भी काउंसिल ही देखा करती थी, ठीक है ना, वो भी क्या है यहाँ पे, काउंसिल ही देखा करती थी। अब आते हैं यहाँ पर कि इनके समाज का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है ना, किस प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया है, समाज का वर्गीकरण किया गया है, ये चीजें हम लोगों को क्या करनी है, देखनी है इसमें। फिर कहने लगते हैं कि मैम वो क्या कहते हैं, जैसे अब तक आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, जी जब जैसा आप लोगों ने अब तक देखा है यहाँ पे, पैट्रिशियन है ये, ठीक है, जैसे अब तक आप लोगों ने देखा है वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। अब उस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी उच्च वर्ग यहाँ पर भी है और एक निर्धन वर्ग जो है वो भी यहाँ पर है, ठीक है, मजदूर भी हैं यहाँ पर, छोटे किसान भी हैं, कारीगर भी हैं, देखिए मजदूर भी हैं, छोटे किसान, कारीगर, छोटे व्यापारी और योद्धा भी इसमें सम्मिलित हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि समाज में अगर बात किया जाए तो किस प्रकार से डिवीजन है, डिवीजन में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे पैट्रिशियन हो गया, प्लेबियन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, पैट्रिशियन और प्लेबियन, इस प्रकार से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, डिवीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें यहां पे, देखिए रोमन में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर जो है समाज का जो विभाजन, यानी जो सामाजिक संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें कि कैसा सामाजिक संरचना था भाई इनके यहाँ पर, तो दो प्रकार से हमें दिखाई देता है, एक क्या है, द फर्स्ट वन इज पैट्रिशियन और दूसरा यहां पर क्या है, प्लीबियन। पहला क्या है यहाँ पे, पैट्रिशियन, और दूसरा क्या है यहाँ पर, प्लीबियन, ये आपको ध्यान रखना है, पैट्रिशियन और प्लीबियन, ये दो तरीके से इनका क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। पैट्रिशियन में कौन से लोग रहते हैं, इसमें बेसिकली धनी वर्ग के लोग, या फिर जिसको कह लीजिए रसूख वाले लोग, धनी वर्ग के लोग, या फिर कह लीजिए एलीट क्लास जो है वो इसमें रहता था, जो इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, जो क्या है मजबूत जो लोग हैं वो लोग इससे जुड़े हुए थे, और ये सीनेट को प्रभावित करते थे, मेन बात क्या है, ये सीनेट को प्रभावित करते थे। एक चीज कहा जाता है ना, कहावत आपने सुना होगा, जिसकी डफली उसका राग, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको टेलीग्राम आईडी एक ही मैं देख चुकी हूँ, आपका प्रश्न देख चुकी हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो पैट्रिशियन और साथ में कौन है, प्लीबियन। अब ये जो प्लीबियन के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, तो इसमें देखिए जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, ओके, उसके अलावा जो है छोटे मोटे जो योद्धा कह लीजिए, छोटे मतलब बहुत बड़े स्तर पे नहीं, छोटे योद्धा, ये नहीं कि बहुत अमीर वर्ग के, जो योद्धा वर्ग जो होता है वो भी इसमें थे, ठीक है। तो किसान, मजदूर, योद्धा, जो भी श्रमिक वर्ग कह लीजिए एक तरह से, ये भी इसमें क्या है, पूरा इंक्लूड है। तो इनके पास वो शक्ति नहीं है जितनी ज्यादा शक्ति पैट्रिशियन को है, यानी प्लीबियन के बारे में देखें, इनकी शक्ति इनके पास क्या है, नहीं, या कह लीजिए सीमित है, क्या है, नहीं है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सीमित है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लीबियन के बारे में। पैट्रिशियन के बारे में बात करें तो यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, काफ़ी जो रसूख वाले लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो सभी के सभी क्या है, इस वाले क्लास में आते थे, पैट्रिशियन क्लास में, ओके। और प्लीबियन में क्या देख रहे हैं, जितने भी वर्किंग क्लास हैं, देवियर इन प्लीबियन क्लास, ये क्लियर है आप सभी को, हाँ जी। तो ये बताइए, इनके पास पैसा है, इनके पास सीनेट में क्या है, इनको पूरी जगह मिली हुई है, तो ज्यादा किसकी चलती होगी समाज में, किसकी ज्यादा, यानी अगर कहते हैं ना कि भाई समाज में अगर बात किया जाए कि किसकी ज्यादा, कौन ज्यादा शक्तिशाली है इसमें, पैट्रिशियन या प्लीबियन, हु इज मोर पावरफुल, हाँ जी, हु इज मोर पावरफुल, इज इट पैट्रिशियन और इज इट प्लीबियन, कौन ज्यादा रसूख वाले होंगे, हाँ जी बताइए, हाँ जी मनीषा खुश रहिए,
नहीं, मैंने ये नहीं पूछा है आदर्श, मैंने ये नहीं पूछा है कि सीनेट, मैंने पूछा है पैट्रिशियन और प्लेबियन, दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत होंगे यहाँ पे, ये बताना है आपको। अंजलिक जो है कल की क्लास है ना, टेलीग्राम आईडी पे मैं अपडेट कर दूंगी और आज से रिमाइंडर आप लोगों को देना शुरू कर दूंगी, ठीक है ना, कल से मैं आप लोगों को रिमाइंडर देना शुरू कर दूंगी। कल नहीं, कल की क्लास का टाइमिंग मैंने बता ही दिया है, तो आप लोग उसके लिए घबराएं नहीं, मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए क्लास में, नहीं तो फिर देखिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। सभी लोग क्लास में आंसर दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी को देना है, क्योंकि देखिए ये टफ है, लेकिन अगर साथ में, अगर साथ के साथ आप करते जाएंगे ना, तो आपको टफ नहीं लगेगा। हाँ जी, साथ के साथ अगर करते जाएंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। पैट्रिशियन, देखिए क्या है ना, जैसे जैसे अगर क्या है कि आप भी लिखेंगे, देखिए मैं बार बार क्यों पूछती हूँ आपसे, मैं पूछूंगी आप लिखेंगे, आप जब लिखेंगे तो लिखने से क्या हो जाता है, याद हो जाती हैं चीजें। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको दिमाग में वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि पैट्रिशियन मैंने लिखा था, प्लीबियन मैंने लिखा था, एम आई राइट? हाँ जी, एम आई राइट? तो इससे क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पर एक चीज जो होगी, जो सबसे बेस्ट ये होगा कि आपको ये टर्मोलॉजी फिर नया नहीं लगेगा, आप आराम से आप बता सकते हैं कि अच्छा टाइम कल से चेंज हो रहा है, मनीषा कल से चेंज हो रहा है टाइम, ठीक है। आप ही लोगों की डिमांड थी कि मैम थोड़ा सा टाइम शिफ्ट कर दीजिए, तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ इसमें, ओके। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ साथ अगर आप लोग याद करते चलेंगे ना, लिखते जाएंगे, तो इसलिए जिन लोगों ने भी नहीं लिखा है कृपया करके लिख दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अब आपको चीजें नई नहीं लगेंगी, आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मैं तो जानता हूं, अरे इसमें क्या है, ठीक है। अच्छा नाम ले लेने से कुछ होता है क्या, मुझे ये बताइए। हाँ जी, नाम ले लेने से कुछ होता है क्या? हाँ चलिए, सबने बता दिया, यस सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, सबने लगभग लगभग क्या किया है, नाम बता दिया है इसमें, ओके। तो पैट्रिशियन और प्लेबियन आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पे, और सीनेट के निश्चयों का ये निषेध यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कि पैट्रिशियनों को उन्हें कुछ अधिकार देने पड़े थे यहाँ पे, ठीक है। चार सौ चौवन ईसा पूर्व में कानूनों की संहिता, यानी इसी से रिलेटेड हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक लॉ, जिसको आप कह सकते हैं, अब ठीक है, अब बफरिंग नहीं हो रहा होगा। तो कानून संहिता जो है ये कब तैयार किया गया, 454 ईसा पूर्व में यहाँ पे जो है संहिता तैयार किया गया था, ठीक है। तो प्लेबियन वर्सेस जो यहाँ पे उच्च क्लास है, हमेशा विद्रोह बना रहा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा क्या था, जो अपर क्लास होता है ये तो आपको ही पता है, यहाँ पे भी क्या कंडीशन थी कि इनके द्वारा जो यहाँ के लोग थे उनकी क्या की जा रही थी, इनकी एक तरह से शोषण किया जाता था, तो एक तनाव वाला माहौल जो था वो हमेशा क्या रहा, बनता रहा, ठीक है ना, एक तनाव वाला जो माहौल जिसको आप कह सकते हैं वो रेगुलर क्या रहा, यहाँ पे क्रिएट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लीवियन वर्सेस जो यहाँ के जो पैट्रिशियन के जो लोग थे इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का कंडीशन बना रहा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कार्थेज से युद्ध के बारे में देखा जाए कि कार्थेज से युद्ध क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इटली की विजय के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोम वालों को नए प्रदेशों पर अधिकार करने की लालसा लगातार बढ़ती गई, क्योंकि ये क्या होता है, इस साम्राज्य विस्तार एक ऐसी नीति होती है कि उसमें आपकी जो अंदर की जो चाह होती है वो कम नहीं होता है, इट मीन्स कि एम्पायर एक्सपेंशन की जो आपकी रणनीति है वो कभी भी कम नहीं होती है, ओके। एम्पायर एक्सपेंशन की रणनीति कभी भी कम नहीं होती है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्होंने, यानी इसलिए इन्होंने अफ्रीका के उत्तरी तटों पर कार्थेज नगर के निवासियों से कई युद्ध किए, ओके। तो इसको इस तरह से आप समझिएगा, जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये रोम है, सपोज दैट ये रोम है, ठीक है, और यहाँ पर ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे उत्तरी तट, यानी यहाँ पर क्या पड़ रहा है आपको, कार्थेज, ठीक है। किंतु बाद में यह क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, मिस्र, यूनान, स्पेन और अन्य भूमध्य सागरीय देशों के सामान का व्यापार कार्थेज वासियों, ये ध्यान रखना है आपको, कार्थेज वासियों के हाथों में था। फिनिशिया के निवासी जो थे वो कुशल नाविक थे,
हाँ नाविक थे और उनके द्वारा नवीन विचार अनेक देशों में फैले। कार्थेज के निवासियों को ये बातें पैतृक संपत्ति के रूप में फिनिशिया वालों से मिली थी। कार्थेज के बारे में अगर देखा जाए तो कार्थेज है क्या यहाँ पे, तो नवी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिनिशिया के निवासियों के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इस समय पे जिस तरह से आप इटली का रोम देख रहे हैं उसी तरह से क्या, या रोम का इटली आप देख रहे हैं उसी तरह से एक अफ्रीका में एक कंट्री जो है, स्पेशली जो उत्तरी तट पे जो कंट्री है इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। रुक जाइए, जैसे मान लीजिए मैं सपोज दैट, इसमें मैं कलर इंक चेंज कर दूं तो और ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अहो रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ जी, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया रोम, ये क्या है आपको रोम है, और यहाँ आ जाइए और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सपोज दैट, मैंने बस बताने के लिए आपको बताया है, मान लीजिए ये रहा आपको कार्थेज, ये क्या रहा आपको कार्थेज, ओके। अब कार्थेज और रोम के बीच में बफरिंग हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी ये देख लीजिएगा, व्यापार और वाणिज्य के कारण क्या था, कार्थेज का अपना महत्व था, अपना महत्व था ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले की अगर वजह से देखा जाए तो कार्थेज जो है इसका क्या था, अपना इंपॉर्टेंस था। तो यही कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोम जो है, रोम का युद्ध होता है फाइनली किसके साथ, कार्थेज के साथ। अब ठीक है, अब ठीक है, तो रोम का युद्ध किससे हो रहा है, वॉर किससे हो रहा है, कार्थेज के साथ, किसके साथ, कार्थेज के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कार्थेज क्या था, ये क्लियर है यहां तक आप सभी को, इज इट क्लियर कि कार्थेज किसको बोलते थे, ये क्लियर हो गया आप सभी को, कार्थेज बोला किसको जाता था और कार्थेज के कारण यानी कार्थेज जो है उसका अपना इंपॉर्टेंस क्यों था, क्योंकि ये अफ्रीका के उत्तरी तट पर है, वहां पर एक न्यू, एक तरह से कह लीजिए कि ट्रेड, जो भी व्यापार वाणिज्य हो रहा है वो वहीं से होकर के होता था, जिसके कारण क्या था कि रोम का, अब रोम की नजर अब किसके ऊपर थी कि कार्थेज को ऑक्यूपाई किया जाए, ठीक है ना, रोम की नजर किसके ऊपर थी, कार्थेज के ऊपर, कि कार्थेज को क्या किया जाए, अपने एकाधिकार में इसको कर लिया जाए, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। हाँ जी, ये क्या था, एक बहुत बड़ा रीजन था, इसी के कारण रोम का युद्ध किसके साथ होता है, कार्थेज के साथ। शोभा क्लियर है आपको, सेजल, सुमित्रा क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अच्छा एक बार और रिपीट कर दूं, देखिए यहां पर एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जैसे ये रोम हो गया, ये मैंने क्या कहा, ये मान लीजिए भूमध्य सागर हो गया, यहां पर क्या है अफ्रीका के उत्तरी तट पर एक नया नगर स्थापित हुआ था सेजल, इसका नाम था कार्थेज, और कार्थेज का अपना इंपॉर्टेंस था क्योंकि व्यापार वाणिज्य सब कुछ इधर ही से होकर के जा रहा है, तो रोम की नजर अब किसके ऊपर है, कार्थेज के ऊपर है। जब कार्थेज पे इनकी नजर है तो इनके इनके दिमाग में यह था कि किसी तरह से हम कार्थेज को क्या करें, ऑक्यूपाई कर लें, और यही कारण था कि कार्थेज के साथ रोम का युद्ध हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिए यहां पर आते हैं, ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं जो कार्थेज के जो निवासी हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके पास जो अगर बात की जाए बहुत कुशल नाविक भी थे और इनके पास न्यू आइडियोलॉजीज भी थे। हाँ एग्जैक्टली सुमित्रा, ये समझ गए ना, फिनिशिया वासियों ने ही क्या किया था, मिलकर के एक नया नगर कह लीजिए स्थापित किया था, दैट इज नोन एज कार्थेज। और यहाँ पर जो यहाँ के जो निवासी थे कार्थेज के, उनको एक बात समझ में आती है कि हमें जो भी विचार है, जो भी दर्शन है, ये हमें किसके से मिली है, ये हमें जो है फिनिशिया वासियों के थ्रू मिली है और हमें उसको आगे और क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस जिसके कारण दोनों में युद्ध हुआ, ठीक है, इसके में कार्थेज वर्सेस यहां पर हम लोग रोम के बीच में युद्ध देख रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए यहां पर क्या था, रोम निवासियों को भी एक भय था कि कार्थेज के निवासी सिसली पर अधिकार कर लेंगे, इसलिए इन्होंने कार्थेज पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए जैसे अगर आप इटली का अगर मैप देखेंगे ना, तो सिसली वहां उसका एक शहर है जिसमें वो क्या था, वो भी यहां पर क्या था, काफी उसकी जो लैंड था बहुत फर्टाइल था, ठीक है, लैंड जो था ये काफी क्या था, फर्टाइल था। इसमें एक सेकेंड, आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे एक मिनट देखने दीजिए क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब इस बीच में, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में प्यूनिक का एक क्या हुआ था, युद्ध लड़ा गया कार्थेज वाले अपने सेनापति हैनिबल, नाम ही था इसका क्या, हैनिबल, या इसको हैनिबाल कहा जाता था, इसके नेतृत्व में इसने युद्ध लड़ा और बाद के इसके कारण दोनों में युद्ध हुआ। सिसली जो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि सिसली को लेकर के क्या चल रहा था, यहाँ पर विवाद चल रहा था। इट मीन्स कि दोनों को एक तरह से क्या है, जैसे समझिए ये हो गया रोम, सी दिस इज रोम, रोम का एक शहर है क्या है, इसका नाम है सिसली, सिसली, ये यहां हो गया कार्थेज, मान लीजिए ये हो गया क्या आपको कार्थेज, ठीक है। अब कार्थेज की नजर किसके ऊपर है, सिसली के ऊपर, क्यों, क्योंकि सिसली जो है ये भी क्या है, काफी फर्टाइल लैंड है, बहुत ही उर्वरा भूमि है, तो ये कार्थेज वासी चाहते थे कि हम सिसली को क्या करें, अपने कब्जे में कर लें, या सिसली को अपने इसमें क्या करें, हम इसको अपने इसमें कर लें, क्या कहते हैं, अपने एकाधिकार में कर लें, और रोम चाहते थे कि हम कार्थेज को अपने जो है इसमें क्या करें, अपने एकाधिकार में कर लें। अब इसी के कारण एक युद्ध हो रहा है जिसका नाम है प्यूनिक युद्ध, वॉर ऑफ प्यूनिक इसको कह लीजिए, यस यस, सिसली का ही एक द्वीप है, जैसे मान लीजिए ये कंट्री हुआ ना, कंट्री का एक द्वीप, मतलब उसी से निकला हुआ पार्ट आप देखेंगे, तो इसको सिसली कहा जाता है, ठीक है। ओके है, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं प्यूनिक का यहां पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, प्यूनिक का युद्ध हो रहा है, और इस प्यूनिक के युद्ध के मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, कि इन दोनों के बीच में यानी कार्थेज वासी और स्पेशली जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ प्यूनिक का युद्ध हुआ था, और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कार्थेज वाले अपने सेनापति हैनिबाल के नेतृत्व में बहुत ही बड़ी, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि वीरता से लड़ते हुए किंतु अंत में इनकी पराजय हो गई, यानी लास्टली इनका क्या हो जाता है, पराजय होता है। रोम के निवासियों ने फाइनली कार्थेज के नगर में भी आग लगा दी थी और कार्थेज के हजारे निवाह, बहुत सारे निवासियों को इन्होंने क्या किया था, दास बना लिया था। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि रोम निवासियों ने यूनान और एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया और मिस्र को भी अपने संरक्षण में ले लिया। इट मीन्स कि कार्थेज का जो युद्ध हुआ, तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इस युद्ध में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेसिकली जो आप कार्थेज वॉर के बारे में बात करें, युद्ध हो रहा है, इसमें जीता कौन, तो इसमें जीता रोम, कौन जीता इसमें, रोम, जो विक्ट्री किसकी हो रही है यहाँ पे, रोम की। और इसके साथ साथ रोम ने क्या किया था इस समय पर, इसने कार्थेज को, तो अब इसके अधिग्रहण क्षेत्रों के बारे में अगर देखा जाए तो पहले तो आपने देखा इटली को इसने अपने अंडर ले ही लिया था, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देन उसके बाद उसने क्या किया है, इसने कार्थेज को ले लिया अपने अंडर, और फिर बाद में इसने मिस्र को भी क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये बताइए इसका जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है वो बढ़ी या नहीं बढ़ी, या इसका साम्राज्य जो है उसमें इजाफा हुआ या नहीं हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ इससे, एम्पायर एक्सपेंशन अगर हम लोग बात करें, यस गुड आफ्टरनून, एम्पायर एक्सपेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एम्पायर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। अच्छा जी योगेश, वेलकम, चलिए ये क्लियर है आप सभी को जो वॉर हुआ था, हाँ जी ये क्लियर है आप सभी को जो वॉर हुआ, इस वॉर में जीत किसकी हुई, रोम की। रोम ने कार्थेज को क्या किया, अधिगृहित कर लीजिए, आग लगा दिया कि भाई हम, चूंकि बार बार जो है हम इस जगह पे आना जाना थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा, तो इसने क्या किया कि इस जगह को ही क्या किया, हाँ डिस्ट्रक्ट कर दिया कम्प्लीटली। और इटली के बारे में अगर देखा जाए और मिस्र को देखा जाए, यानी एक तरह से इनका साम्राज्य का एक तरह से क्या हो गया, लगातार रोम वासियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, है ना, रोम वासियों ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
क्लियर है ये आप लोगों को? इज इट क्लियर? हाँ जी क्लियर है ये आप सभी को? ठीक है, तो ये था जिसके बारे में अगर हम लोग अब देखेंगे कि रोमन समाज पर यानी जो रोमन एम्पायर है उस पर युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा, यानी ये जो वॉर हुए इन वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग इसमें मामले में देखेंगे कि किस प्रकार से युद्ध होते गए। अब देखिए इसके बारे में अगर देखा जाए जो युद्ध होता है इसका सभ्यता के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा क्या होता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ जी जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो विजित प्रदेशों ने यानी लाखों निवासी रोम के निवासियों के दास बना लिए गए थे, इसलिए रोम के समाज में अधिकतर या तो दास थे या उसके स्वामी थे। यानी अगर रोम के सोसाइटी के मामले में अगर देखा जाए तो रोम के में हम लोग क्या देख रहे हैं वो मैं अभी बता भी देंगी। दास क्या करते थे, खेती, उसके ऐसे सड़क बनाना, कारखाना में मामूली अपराधों के लिए भी इनको बहुत यातनाएं दी जाती थी, तो लकड़ी का चौखट होता था जिसमें दासों के सर और हाथ को फंसा दिया जाता था और जहाजों पर भी इनसे काम लिया जाता था। इट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो रोमन साम्राज्य में यानी इस साम्राज्य में हम क्या देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ कौन से लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ हमें यहाँ पर दास दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहे हैं? दास दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ कौन दिखाई दे रहे हैं? दास, क्योंकि युद्ध ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। अब अगर युद्ध ज्यादा करेंगे तो आपके पास दास ही ज्यादा होंगे ना, युद्धबंदी ही तो ज्यादा होंगे आपके पास। अब इन युद्धबंदियों को ये लोग क्या करते थे, अलग अलग कार्यों में लगा देते थे, जैसे लाइक कारखाने में लगा दिया गया, ठीक है, खेती करने का काम जो है उसमें लगा दिया गया, सड़क बनाने के कार्य में लगा दिया गया, तो इन सारे कार्यों में इनको क्या किया गया था, इन्वॉल्व करा दिया गया था। तो रोम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि या तो मोस्ट ऑफ क्या है यहाँ पर, या तो यहाँ पर ज्यादातर दास हैं या इन दासों के स्वामी हैं। तो रोमन समाज का देखिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, रुकिए मैं आपको यहाँ पे समझा भी देती हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें कि रोमन समाज के स्ट्रक्चर के विषय में अगर देखा जाए, ठीक है ना, रोमन समाज के बारे में अगर हम लोग देखा जाए कि इनका समाज जो था उसमें क्या देख रहे हैं कि किसकी अधिकता, जैसे मान लीजिए ये हो गया समाज का एक स्ट्रक्चर हुआ, ये मान लीजिए रोमन समाज हुआ, ठीक है, इस समाज में कौन है भाई ज्यादा, तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कौन है, एक बड़ी संख्या में अगर बात करेंगे, या ये यहाँ आ जाइए, ठीक है ना, इसको यहाँ से देखिए, ये हो गए दास और ये हो गए दासों के स्वामी। ओके, तो दास जो है ये स्लेव्स के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या किनकी है, स्लेव्स की, यानी इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, मोस्ट ऑफ यही है, और ये इनके क्या है, स्वामी है या इनके क्या है, ओनर है, ठीक है ना, स्वामी या फिर क्या है, इनके मालिक कह लीजिए, ठीक है, इनके क्या है, ये एक तरह से इनके मालिक कह लीजिए, ये है यहाँ पे इनके ओनर है। तो इस प्रकार से और ये जो दास हैं इनसे क्या किया जा रहा है, अलग अलग इनसे कार्य लिए जा रहे हैं, जैसे कि इनको कृषि कार्य में लगाया गया है, उसके अलावा अगर देखें हम लोग तो इनको क्या किया जा रहा है, जैसे कारखानों में लगा दिया गया है इन्हें, तो मल्टीपर्पज जिनको आप कह सकते हैं, कई अलग अलग एक व्यक्ति से आप कई कार्यों में क्या कर रहे हैं, उसको इन्वॉल्व करा के रख रहे हैं, कृषि हो गया, कारखानों में हो गया, उसके अलावा जो है घरेलू जो इनके कार्य होते थे उसमें भी किया जा रहा है, घरेलू कार्यों के लिए भी इनका क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे जो यहां पर, अब मुझे ये बताइए कि आज भी मुझे ये बताइए कि रोमन साम्राज्य में सबसे अगर बुरी स्थिति के बारे में बात किया जाए, सबसे दयनीय स्थिति के बारे में बात किया जाए, तो किसकी दयनीय स्थिति आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, किसकी दयनीय स्थिति आपको दिखाई दे रही है बताइए जरा। हाँ जी, किसकी दयनीय स्थिति यहां पे दिखाई दे रही है? हाँ जी बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर दीजिए, मैं बार बार कहती हूं आंसर सभी लोग दीजिए क्लास में, स्लेव्स की,
ठीक है ना, सभी लोग बिल्कुल विकास हैं, सेजल हैं, क्योंकि देखिए ये एक बार आप समझ जाएंगे ना तो यूरोप में स्लेवरी सिस्टम क्या था रीना, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दास प्रथा आप लगातार देखते चले आ रहे हैं। यहाँ हम लोगों को स्लेवरी सिस्टम दिखाई देना शुरू हुआ एंड धीरे धीरे स्लेवरी सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि वो डे बाई डे वर्स्ट होते जा रहा है, वो अच्छा नहीं हो रहा है, उनसे लगातार उनको अमानवीय तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, इनके साथ एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही जो कहते हैं कि अनह्यूमन जो कंडक्ट होता है वो इनके साथ क्या किया जा रहा है, बिहेव किया जा रहा है। तो इनकी कंडीशन सबसे ज्यादा दयनीय दासों की कंडीशन थी यहां पे, है ना। हाँ ठीक तो बता रही थी अंजू, आपने क्यों डिलीट कर दिया मैसेज। नंदिनी आप लोग आंसर सही तो दे रहे थे। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी कहाँ से आ गया, अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ मैं, अभी रोमन सभ्यता पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और चूंकि आप लोग देखिए डे वन से आप लोग जुड़े हुए हैं तो क्लास का बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो इसका एंशियंट जो सिविलाइजेशन है वो आप पूरी तरह से इसको समझ लीजिएगा, है ना। दासों की, यस राहुल भी कह रहे हैं कि दासों की कंडीशन सबसे ज्यादा दयनीय होगी, ठीक है बिल्कुल। आरती भी कह रही है, मैं सबसे यही बात बार बार कहती हूँ गीता कि आप लोग अगर पढ़ते हैं ना तो एक होलिस्टिक अप्रोच अपने माइंड में फिक्स करना है कि क्या चल रहा है। तो यूरोप में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है स्लेवरी सिस्टम। अब आप सोच सकते हैं कि जब 1776 में, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको इंटरलिंक करके बता देती हूँ, जब 1776 में अमरीकी क्रांति होती है, अमरीकी क्रांति के बाद यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद वहां पर होता क्या है, वहां पर सिविल वॉर छिड़ जाता है। अब इस सिविल वॉर का कारण क्या था, दासता वाला मामला वहां पर भी चल रहा है, ठीक है ना, वहां पर भी यही मामला चल रहा है कि उन लोगों ने क्या किया था, दास बनाकर रखा था और उनसे बड़ी संख्या में बागानी के कार्य करवा रहे हैं, कृषि के कार्य करवा रहे हैं। तो एक कारण वहां पर भी हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है ना, तो ये कारण वहां पर भी दिखाई देता है। तो ये चीजें बहुत लंबे समय तक आप देख सकते हैं कि संपूर्ण यूरोप हो गया या अमरीकी महाद्वीप कह लीजिए, यहां पर स्लेवरी सिस्टम एक बहुत, मतलब कह लीजिए कि बहुत लंबे समय तक इसको लेकर के विद्रोह होता रहा, इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रही और यहां पर इनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा था, जो कि हमेशा क्या रहा, डिस्प्यूटेड मैटर रहा ये, ठीक है। सत्येंद्र क्लियर है? हाँ जी क्लियर है ये आप सभी को, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना समझा करके बताने का पर्पस यही रहता है ताकि आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि मान लीजिए दास ज्यादा हो गए, मैं आप लोगों से धीरे धीरे एक चीज मैं बता रही हूं आप लोगों को, है ना, यही मैं आप सबसे एक बात कह रही थी कि देखिए है क्या ना, अगर इस तरह की व्यवस्था अगर आपको दिख रही है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ क्या लिख रहे हैं, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है मैंने देख लिया सबका कमेंट देख लिया यहाँ पे आप सभी का। चलिए अब यहां पर आते हैं, उसके बाद अगर बात किया जाए कि और उसके अलावा क्या था यहाँ पे, रोम के निवासी जो थे, यानी इन सब के अलावा फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध कौशल, तलवार चलाने के वाले दो योद्धाओं में युद्ध और एक तलवार चलाने वाले और एक जंगलू पशु से युद्ध, इनके बीच में एक बहुत ही कॉमन क्या हो चुका था, एक इंटरटेनमेंट का पर्पस कह लीजिए या ये अपने मनोरंजन के लिए करते क्या थे, दो योद्धाओं के बीच में तलवार चलाने की जो युद्धबाजी, जो कला कौशल होता है वो यहाँ पर होता था। और साथ साथ क्या होता था कि कई बार जानवरों को भी क्या किया जाता था, जैसे पशु और जानवरों के बीच में जो युद्ध, जैसे लड़ाई करवाई जाती तो वो भी यहां पर होता था, ठीक है। तो इसके लिए बहुत विशेष अखाड़े भी बनवाए गए थे, सबसे बड़े अखाड़ों में से एक था कोलोजियम, इसके खंडहर आज भी रोम में विद्वान है। कोलोजियम देखा है आप लोगों ने? हाँ जी कोलोजियम देखा है आप सभी ने, ये बताइए रोम का कोलोजियम देखा है आप सभी ने, एक बार बता दीजिए यहां पर रोम का जो कोलोजियम के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, बहुत ज्यादा एक तो फेमस भी है, बहुत ज्यादा चर्चित भी, और यहीं पर लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे और इसके लिए ही इसको क्या किया गया था, बनवाया गया था। रुकिए मैं आपको इसका फिगर दिखा देती हूँ एक बार तो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ ये दिख रहा है आप सभी को, इज इट विजिबल, ये विजिबल है आप लोगों को,
ये है कोलिजियम, नहीं देखा है तो देख लीजिए बाबा, ये देखिए, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ये देखिए यही है कोलिजियम जहां पर ये लोग क्या करते थे उस टाइम पर युद्ध किया करते थे, दिख रहा है बच्चों? हाँ जी देख लीजिए, ये दिखा आप सभी को, यही है कोलिजियम, इसको कहा जाता था जहां पर ये लोग आपस में युद्ध कौशल, मैंने आपसे क्या कहा ये लोग आपस में युद्ध किया करते थे और यहां पर हमेशा क्या करते थे जैसे युद्ध को लेकर के, दिख गया आप सभी को? नहीं पता तो कोई बात नहीं अमित, मैं बता तो रही हूं, ये देखिए मेरे पीछे जो इमेज है दैट इज नोन एज कोलिजियम, बहुत फेमस है और यहीं पर, यहां पे यानी जो रोम के जो निवासी हैं वो आपस में वॉर, जो युद्ध जो होता था ना वो यहाँ पे युद्ध करवाया जाता था। हाँ जी, युद्ध यहाँ पर करवाया जाता था, यहाँ पर आपस में ये लोग युद्ध लड़ते थे और इसके रुइंस जो हैं, इसके खंडहर जो हैं वो आज भी विद्यमान है। अभी भी लोग जाते हैं यूरोप ट्रिप वगैरह पे तो ये जगह जा करके जरूर देखते हैं, ठीक है ना, अभी भी जाते हैं तो ये लोग अभी भी क्या करते हैं ये जगह जरूर देखते हैं। ओके निर्मल, क्या हुआ अमित? एक तो कहते हैं मैम यस मैम, ऊपर से इमोजी देते हैं, कैसा कंफ्यूजन वाला है ये, अपने आप में विरोधाभास है, ठीक है। सुनिए, अगर आप कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी कहते हैं कि मैम समझ में आ गया और कैसा देते हैं उसके बाद से इमोजी देते हैं कंफ्यूजन वाला, ऐसे वाला, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ठीक ठाक ही दिया कीजिए, उसमें इमोजी अगर जोड़ रहे हैं तो सही वाला दिया कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप समझे या नहीं समझे, है ना। इमोजी भी गलत देते हैं आप लोग, उल्टे फुलटे। है ना। हाँ, सबको सबको हंसने का मौका मिल गया आज क्लास में। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एक तो लिख रहे हैं यस मैम क्लियर है और इमोजी ऐसे वाला, ये क्या होता है? हाँ मैं भी सोचते रह जाती हूँ। चलिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है जिया, लेकिन जो लोग देते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, जो लोग देते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ और हाँ एक चीज सुन लीजिए, कल से क्लास का टाइमिंग चेंज हो रहा है, क्लास में कंटिन्यू रहिएगा ताकि अब तक क्या है ये पूरी क्लास समझ में आई है। हाँ जी समझ में आ गया। चलिए ठीक है। हाँ क्या करें, आप लोग भी तो कुछ ऐसे ऐसी बातें कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही सही है। हाँ आप लोग वो कहते हैं ना सहपाठी है ना, क्लासमेट है, तो आप लोगों को ज्यादा पता है, एक दूसरे के नब्स से वाकिफ हैं आप सभी लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, तो यानी इसका मतलब क्या है, कोलिजियम आप लोगों ने देख लिया जो आज भी है यहाँ पर, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता था कि लोग वहां पे युद्ध करते थे, लड़ाई लड़ते थे। पिक्चर उक्चर में भी आपने देखा होगा कि उस वो इस सीन दिखा करके क्या किया जाता है, बताया जाता है कि भाई युद्ध हो रहा है। शायद आप लोगों ने मूवीज वगैरह देखी होगी तो कोलिजियम के बारे में दिखाया गया है कुछ मूवीज में भी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने देखा होगा, है ना। टाइम जो है ना थोड़ा सा, ललित आप लोग मेरी ये ना ये देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है बच्चों, मुझे फॉलो करिएगा और जो भी क्लास का अपडेट होगा ना, मैं जो भी टाइम रखूंगी ना इतनी बार अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम आईडी पे, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये काम मैं करूंगी आज। ओके ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अब युद्धों के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेनापतियों की राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत थी यहाँ पे, सभा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई और सेनापति अधिक महत्वपूर्ण बन गए। क्यों? क्योंकि लगातार यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, लगातार यहां पर वॉर होता रहता था और इस वॉर के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पे कि यहां पे जो कंडीशन क्रिएट हुआ वो ये था कि यहां पे जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, ठीक है, जो यहाँ पे कमांडर इन चीफ हुआ करते थे सेनापति, यानी अगर सेनापति के बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाँ
हाँ जी, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सेनापति की कंडीशन, देखिए होता क्या है ना, सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि वो क्या कंडीशन चल रहा था। जैसे यहाँ आइए, मैंने आपसे क्या कहा, एक मिनट रुक जाइए, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए रोमन, यानी ये क्या है, रोम साम्राज्य हो गया, ये पूरा का पूरा रोम है, रोमन साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य है। यहाँ एक टेंडेंसी हम लोगों को क्या दिखाई दे रही है, ये पूरा रोम साम्राज्य क्या कर रहा है, युद्ध में क्या है, इन्वॉल्व है, यानी ये क्या करता है, वॉर में इनका इंटरेस्ट है या युद्ध में इनकी क्या है, रुचि है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर युद्ध में रुचि अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे सैन्य तंत्र जो है वो डेवलप हो जाएगा। सैन्य तंत्र का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इधर आइए, सैन्य तंत्र का मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि एक तरीके से युद्ध लड़ने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा वरियर वाला जो कॉन्सेप्ट जी कह लीजिए, ये ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जब युद्ध ज्यादा करेंगे तो भाई अलग अलग जगहों को हम क्या करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे। अब जब ऑक्यूपाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्षेत्राधिकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हमारा क्षेत्राधिकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा तो ऐसे में क्या है कि जहां जहां जाएंगे वहां वहां हमें क्या होंगे, युद्ध बंदी भी मिलते जाएंगे। अब जब ये युद्ध बंदी मिलते जाएंगे तो दासों की स्थिति बढ़ती जाएगी, यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दासों की स्थिति बढ़ती जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, अब मुझे ये बताइए, कोई राज्य लगातार अगर युद्ध में इन्वॉल्व है, मैं आप ही लोग से प्रश्न पूछ रही हूँ कि इस राज्य का इंटरेस्ट ही युद्ध में है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कला और साहित्य क्या बहुत डेवलप होगा, कला और साहित्य क्या बहुत डेवलप होगा यहाँ पे, मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर कला साहित्य का विकास होगा। आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि जब यहाँ पर सभी को युद्ध में क्या किया जा रहा है, निपुण किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर कला और साहित्य ज्यादा डेवलप होगा। अच्छी बात है राहुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ चीजें, यानी अगर कला साहित्य में भी देखिए ना, तो कला में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, युद्ध कौशल सिखाया जा रहा है, आपस में लड़ना भिड़ना सिखाया जा रहा है। तो यानी ये क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो क्या है कि दे बिकम एक्सपर्ट इन वॉर, ये वॉर में क्या होते जा रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये लगातार क्या होते जा रहे हैं, वॉर में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लगातार क्या होते जा रहे हैं, वॉर में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो इससे अगर रोम पे, यानी अगर इसका बात कि इसमें अगर हम लोग देखा जाए कि इसके बाद किया जाए कि ये जो युद्ध युद्ध कौशल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने का क्या कोई नेगेटिव, क्या इसका कुछ ड्रॉबैक होगा, तो ड्रॉबैक ये होगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें अन्य क्षेत्रों में, यानी अन्य क्षेत्रों का मतलब ये होता है कि कला संस्कृति का बहुत विकास नहीं होगा यहाँ पे, कला एवं संस्कृति का विकास जो है वो अवरुद्ध होगा, कला एवं संस्कृति का विकास क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवरुद्ध हो जाएगा। ओके, हाँ अवरुद्ध हो जाएगा, यानी एक तरह से क्या हो जाएगा, ये चीजें यहाँ पर रुक जाएंगी, क्योंकि ये लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, वॉर में ही खुद को फंसा के रखते हैं, वॉर ही सीखते हैं, वॉर ही क्या कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट में भी वॉर को ही ये लोग ज्यादा प्रिफरेंस दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, तो रोमन में, यानी रोमन में हम लोग क्या देखें, रोम में तो जो भी चीजें नई डेवलप होती हुई दिखाई देंगी वो आपको क्या दिखाई देंगी कि यहाँ ज्यादातर लोग युद्ध में इंडल्ज हैं, या उसमें क्या है यहाँ पे, हाँ जी, युद्ध में क्या है यहाँ पे, इंडल्ज हैं यहाँ पे, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, युद्ध में ही इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। आज मेरे नेट में भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, इशूज आ रहे हैं आज, ठीक है। चलिए फिर आज एक काम करते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ों के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर अब इसमें ना एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या करती हूँ, दे देती हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, करिएगा घर पर, एक क्वेश्चन मैं आज के लिए दे देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, घर पर करेंगे, ठीक है ना। रोमन साम्राज्य,
ओ रुकिए रुकिए रुकिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर दे दे रही हूं, इसको आप लोग क्या करिएगा, खुद से करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन देखिए ये है कि रोमन साम्राज्य के विस्तार का कारण युद्ध बना और इसके पतन का कारण भी और इसके पतन का कारण भी युद्ध ही बना। चर्चा कीजिए, ये आपको क्या करना है, यहां पर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहां पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दे रही हूं, इसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। एक क्वेश्चन और है, क्योंकि मैं टॉपिक आप लोगों को लगातार पढ़ाते जा रही हूं, तो एक क्वेश्चन और ये क्या करना है आपको, क्योंकि अभी यहां तक जहां तक आप कर सके ना इसको करिएगा। क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, किसी भी साम्राज्य का पतन होना आवश्यक है और पतन होगा ही होगा। अगर इस तरह का समाज है जो युद्ध पर डिपेंडेंट है, तो उसका आज न कल डिक्लाइन होना ही होना है। राहुल टाइम आप लोगों को टेलीग्राम आईडी पर मिल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, ये क्या करना है आप लोगों को जी। तो ये हो गया, और उसके अलावा यहां पे इसको आप लोग क्या करिएगा, 250 वर्ड्स में लिखिएगा, 250 शब्दों में इसको लिखना है आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं, रोम पूरा नहीं हुआ है मनीषा, लेकिन आप लोगों ने आधी कहानी तो समझ ही ली है, आधी कहानी फिर कल हम लोग करेंगे इस पे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना है जो मैं दे रही हूं। ओके, एक क्वेश्चन और है, चूंकि हम लोगों ने यूनान कर लिया है, तो आपको बताना क्या है यहां पे यूनान, ये आपको सिर्फ 150 शब्दों में करना है। यूनान की सभ्यता, की सभ्यता का योगदान कला और संस्कृति के संदर्भ में, जो आपको योगदान बताना है, यूनान की सभ्यता का योगदान बताना है कला और संस्कृति के संदर्भ में बताएं। 50 शब्दों में यूनान की जो सभ्यता है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा आर्ट एंड कल्चर के प्रस्पेक्टिव में, वो ये आपको 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। हाँ जी, देख लीजिए इसे, क्वेश्चन समझ में आ गया है आप सभी को, क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए हैं मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। ये क्वेश्चन आप जहां तक समझ पाए वहां तक डिपेंड करता है, बाकी जो ये क्वेश्चन जो है ये आपको क्या करना है, 150 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन जरूर किया कीजिए अभी से, देखिए एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि मैम काफी चेंजेस आ रहा है आंसर लिखने से। क्योंकि अब जो समय है ना, अभी जो समय है, अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगले साल का प्रीलिम्स देंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। चूंकि अगले साल जून में ही पेपर है, तो जून के बाद आपको फिर क्या है, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, आपका मेंस हो जाएगा। तो समय ऐसे भी बहुत कम है आप लोग के पास, तो लिखने की प्रैक्टिस बच्चों अभी से डाल लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। ओके, इसको आपको 150 वर्ड्स में क्या करना है, लिखना है। तो रोम की सभ्यता जो बाकी बचा, जो इसका वॉर वाला जो और कंडीशन जब आप पढ़ेंगे वहां पे, तो वो सब मैं अब कल करवा दूंगी उसमें, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। एक तो नेट भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है मेरा, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, आज यहीं तक रहने देते हैं, और कल हम लोग फिर मिलते हैं नए टाइम पर, मैं आप लोग को टाइम बता दूंगी। ओके, लिख लिया आप सभी ने, चलिए। तो यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कल जो है, कल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कल नए टाइम पर हम लोग जो है क्लास जो है मेरी रहेगी। आप सब आएंगे ना क्लास में, पहले ये बताइए। हाँ जी, टाइम चाहे जो भी रहे क्लास में आएंगे ना, ये बताइए, पहले ये बताइए कि क्लास, क्योंकि आप ही लोग की वजह से मैं चेंज कर रही हूँ टाइमिंग।
आप सभी लोग क्लास में आएंगे या नहीं आएंगे ये बताइए। शाजिया मैम, ये मेरा टेलीग्राम आईडी और ये रहा मेरा रेफरल कोड। बच्चों आज ना लास्ट डेट है 20th of October, आज जो प्लान हमारा चल रहा है, हाँ जी आज जो हम लोग का प्लान चल रहा है उसको आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें क्या है, टेलीग्राम आईडी ये रहा t.me शाजिया मैम, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, है ना। तो कल से क्लास में आप लोग न्यू टाइम पर, कल से आप लोग 12 बजे मेरी क्लास नहीं होगी, मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया है, ठीक है। हाँ जी आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मिलते हैं नए समय पर। ओके चलिए जी, ओके जी, ओके।